तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने तो जा रहे हैं अवेयरनेस मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके अंदर एक सुपरमैन पावर पर बेस्ड मूवी है, एक कैरेक्टर है जिसके पास सुपर पावर आ जाती है और उसके बाद वो इन पावरों का क्या करता है और वो एक जाल के अंदर फंस जाता है। एक तरफ एक तरह से दो ग्रुपों के बीच में वो लड़ाई करवाता है, इसी बीच वो अकेला फंस जाता है। इसी पर पूरी स्टोरी बेस है। सुपर पावर की मूवी आपको पसंद है तो ये आपके लिए है। ये अवेयरनेस नाम की एक मूवी अभी Amazon Prime Videos पर रिलीज की गई है। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली इसके बारे में बात की जाए तो इसे ऑफिशियल रूप से 16 मार्च 2023 को मलयालम में से रिलीज कर दिया गया था और इसके बाद 11 अक्टूबर 2023 को यानी अभी कल या परसों के अंदर ही इसे प्राइम वीडियो पर अपलोड किया गया है। वहाँ पर इसे OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया गया है और इसे हिंदी के अंदर डब कर लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जाने हैं। इसकी सारी कुछ डिटेल बताया गया, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, टोटल मिलाकर सारी कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से आप सेट कर लीजिएगा। इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। जुआना मेगलूस इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया गया है, साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है मार्गिन सूर्यस ने और म्यूजिक इसका दिया है रोकन बानोज ने और प्रोडक्शन कंपनी पेट्रिस स्पेन अमेजोन स्टूडियोज द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। सामग्री साथ ही साथ अमेजोन प्राइम वीडियोज द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए 2030 को स्ट्रीमिंग होते हुए हमें देखने को मिला था। मुख्य रूप से इसे स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। इयान और एक किशोर जो कि अपने लोगों के दिमाग में भरे भ्रम पैदा करने की शक्ति रखता है, यानी इसकी स्टोरी में आपको बताता हूँ, अपनी शक्तियों को उजागर कर आगामी युद्ध में एक पक्ष चुनने के कारण दो समूहों के बीच संघर्ष के बीच में फंस जाता है। इसके अंदर आपको इरियांस के रूप में कार्लोस स्कोस देखने को मिले हैं, साथ ही साथ विलसेट के रूप में पेडलो लोसन, साथ ही साथ स्त्रीज के रूप में मारियो पेडलस और एंडलियस के रूप में लेरा लोरेस, साथ ही साथ स्कोर जोंडर परसेट के रूप में और साथ ही साथ केजरल बैंकोस के रूप में लुविस कार्ल्स, एक डॉक्टर के रूप में लुइस जेरस आपको देखने को मिले हैं। इसकी राइटिंग डेनर मेयर्स ने और इवन लेडर्स और साथ ही साथ वेरियन बर्क के साथ लिखी है। ये फिल्म फेडरेस स्पेन अमेजोन स्टूडियोज और डीबलेस कोस्टन द्वारा एक स्पेनिश यूएस से उत्पादन है। शूटिंग स्थानों पर कैटलोस मैडन केस्टिन लियोस शामिल है। फिल्म का संगीत रोग बोनस ने दिया है। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग भी ठीक ठाक एक तरह से की गई है। 16 मार्च 2023 को इसे मुख्य रूप से रिलीज किया गया है और साथ ही साथ प्राइम वीडियो पर अभी ये अवेलेबल है। तो इसके जो कैरेक्टर आपको देखने को मिला है, सबसे पहले हम जानेंगे मारिया पेडलो मोरलोस के बारे में। ये इस मूवी के अंदर आपको मेलरेड के अंदर एक तरह से देखने को मिली है। मैनी हिस्टन और एली श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्होंने हासिल की है। मार्लिक पेडलो मोरलो इनका पूरा नाम है। 26 जनवरी 1986 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन इनकी उम्र 27 साल है और इस इंडस्ट्री के अंदर ये कंटिन्यू अपनी उपलब्धि हासिल किए जा रही हैं। साथ ही साथ 2017 से इस इंडस्ट्री में जुड़ने के साथ साथ अभी तक इसमें जुड़ रखी है और पेडलो और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से फिल्म निर्देशक स्टेबल क्रिएशन द्वारा आयोजित किया गया है, जिन्होंने उन्हें पहली फिल्म अमर की प्रमुख भूमिकाओं के लिए एक ऑडिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहाँ उन्हें डोरस की भूमिका मिली जिसमें पॉल मेरेस नाटली भी शामिल है। साथ ही साथ नार्चो फेडनेस और एक अभिनेत्री के रूप में उनका दूसरा प्रोजेक्ट एस्ट्रोमीडियन श्रृंखला मिनिस्टिन में स्पेन में ब्रिटेन राजदूत की बेटी एलिन पार की भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेटफ्लिक्स द्वारा इसे खरीदने में अभिनेत्रियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। एली नाम के दूसरे नेटफ्लिक्स मूल स्पेनिश श्रृंखला में प्रोडन की भागीदारी की घोषणा की गई थी, जिसमें मैनिस्टिन के साथ कलाकार ब्रिगिस हैरन और जेमन लेडर्स शामिल थे। फिल्मोग्राफी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सारी कुछ जानकारी इनसे एक तरह से रिलेटेड आपको देने वाला हूँ।
तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्यारे से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम भी उसे देख पाए। और यदि आपको और भी किसी एक दूसरे सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको सिंपली उस मूवी या सीरीज का नाम सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। 2017 में एमर यू यूनिट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 2017 में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ ही आपको 2019 में इक्रू द लेवन ऑफ द सोडियम वेजल्स 2019 में देखने को मिली। और साथ ही साथ द समर वी लिव्ड 2020 में, साथ ही साथ पोलमेरा ऑफ द ड्रेमी 2021 में, और डांस ऑन ग्लास 2022 में, और अवेयरनेस 2023 में, साथ ही साथ 2024 में इल कोरियल्स के अंदर आपको देखने को मिलने की। तो इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बताई, और वेब सीरीज टेलीविजन के अंदर सी क्रू 2017 में देखने को मिलेगी, और मनीष 2017 में, और इलिट 2018 में, साथ ही साथ टोए बॉय 2019 से अभी तक आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर कंटिन्यू एक तरह से हर एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हम पैडलर ग्लोजलेज आलोस के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 21 जून 1971 को हुआ, जिन्हें पैडलो लूशन के नाम से भी जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेता, लेखक, कलाकार हैं। उन्हें स्पेनिश डेकिड संकला मिनिस्ट और एडलस बोनियस डी पोलोस की भूमिकाओं के लिए, ऐतिहासिक नाटक संकला ग्रीहोटन और डीन मोर्गन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों, पैडलन ग्लोलेस ओल्सन इनका नाम है। 21 जून 1971 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 52 साल इनकी उम्र है। पिगोन गोलिस स्पेन में हुआ, और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, लेखक हैं, कलाकार हैं, और 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके एक बच्चा भी हैं। पैडलोस कोल्डस ओशंस का जन्म स्पेन के विंगोस में हुआ था। उन्होंने मेडलिस में लुइस स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट्स में अपनी एक तरह से पढ़ाई कंटिन्यू की। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में, जिसका नाम है अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, उसमें सबसे पहले नाम निकल कर आता है क्रूसन स्कोल्स का। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारे अगले कैरेक्टर मार्ली पैडोस के साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं। और इसके अंदर जो स्टोरी है वो सुपर पावर पर बेस है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दी थी। एक जो एक से बंदा जो रहता है हमारा सुपर हीरो, वो दो ग्रुपों के बीच में फंस जाता है। उन दोनों के बीच में एक तरह से वार कराता है, और इसी बीच वो अकेला फंस जाता है। इसी पर बेस पूरी मूवी थी, और इसके बारे में मैंने स्टोरी तो आपको एक्सप्लेन कर दी है, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। और अब हम आगे चल के हम इसके प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यू हम जानेंगे इनके बारे में, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आप भी पूरा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम हमारे अगले कैरेक्टर जिनका नाम मैंने आपको बताया था पैडलो गाजलेज ओलेस के बारे में जान रहे थे। इनकी शक्ल में आपको बता दो, पोर्डल गोलेज ओलेस का जन्म स्पेन के विग में हुआ था। उन्हें मैट्रिक्स में रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट्स का अध्ययन किया। तो दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ, इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत ज़बरदस्त की। इन्होंने 1992 में अपनी ग्रेजुएशन प्राप्त की, और टोलिस ला डेलजन थिएटर ऑफ डांस में पार्टिसिपेट लिया, और ओल्सन उबलिस और स्पेनिश गोल्सन क्राउट और अंग्रेजी बोलना सीखा। और साथ ही साथ ही इनके करियर के अंदर एक दिलचस्प दौर था, और साथ ही साथ दोनों ने टेलीविजन पर यस बैक्सन 2003 से 2005 में, और मेल्डूस ई मुल्लस 2006 से 2008 तक, और पादरो किशन 2008 से 2015 तक, और गुडलिस 2009 में गिलिस में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, और राष्ट्रीय स्तर पर किरदार निभाने के लिए जाने गए, जैसे कि ऐतिहासिक नाटक ग्री होटल में एगोसमोर्ग और एडियन स्वेन सोडन, साथ ही साथ सीरीज में स्टोन्स में एटन वालिस और डी फ्लोसेंस की भूमिका निभाई, जो कि 2017 में एंट्रोस 3 पर प्रसारित हुई।
उन्होंने वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया और 2018 में उन्होंने जेड क्यू टर्की पत्रकार द्वारा इंटरनेशनल स्टार ऑफ द ईयर्स चुना गया। उन्होंने लेटेस्ट अमेरिका में अमेजोन प्राइम वीडियो की पहली ड्रामा सीरीज डियन गार्डन में सह अभिनय किया जो कि मई 2018 में रिलीज की गई थी। 2019 में लॉसन ने मिस्टर थिएटर द साइलेंस ऑफ द मार्स में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ ओल्ड स्पेरिस के सम्मोहन चिकित्सा और कलाकार तानित और जर्डन पिछले रिश्ते में उनकी एक बेटी भी है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हैबिटोस के अंदर ये मुख्य रूप से 1994 में आपको देखने को मिले और 1986 में एल्बर्ट गिजन में, साथ ही साथ एनलेदर 1998 में, साथ ही साथ 2003 में नॉल एब्लोस 2003 में, साथ ही साथ ए कैटलोस 2005 में, साथ ही साथ 18 इट्स के अंदर 2018 में देखने को मिले और अभी हाल ही में जिस मूवी के बारे में जान रहे हो उसमें तो आपको देखने को मिले थे। अपकमिंग इनकी अभी कोई मूवी आ नहीं रही है। टेलीविजन सीरीज के अंदर ये 1997 में टोल्डस लोस हैम्ब्रोसूस इग्लूस के टेलीविजन शो में देखने को मिले और साथ ही साथ डिस्क्रीब्यूशन शो लिस्ट में भी 2000 में देखने को मिले, साथ ही साथ द एक जैसे हॉस्पिटल सेंटर 2005 में और साथ ही साथ आर आई एफ साइट्रिक्स 2007 में, ला बेलन ऑर्डेंस 2008 में और साथ ही साथ ग्रैंड होटल 2011 से 13 में, साथ ही साथ हॉस्टल रियल्स 2015 में और डिब्यूज ऑर्डेंस 2018 में, साथ ही साथ बालियंस 2023 में और साथ ही साथ और भी कई जगह ये आपको देखने को मिले हैं। इनके अवार्ड्स के बारे में बात करते तो सुपरस्टार अवार्ड्स 2009, मिशन माइट अवार्ड 2010, साथ ही साथ एशियन अवार्ड 2014, साथ ही साथ 27वां कैरेक्टर एक जैसे अवार्ड्स 2018 में, फिल्म इटली सबसे पूर्व फिल्म अवार्ड 2020 के अंदर और भी कई अवार्ड्स इन्होंने जीते जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है लेला लोरेन। जी हाँ दोस्तों, लेला लोरेन इनका नाम है। 7 मई 1980 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री हैं जो कि स्टार टेलीविजन श्रृंखला पावर में एलोज वुडन्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। लोस में सक्षा एक तरह से समस्कार में कहा कि उन्होंने पहली ऑडिशन देने से समय में लगा और उनकी शुरुआती कीमत द सोल्डिन ग्रे ग्रीडियन में थी, सी आई फ्रेंचाइजी के शो। इसके बाद कोल्ड क्रिस के अंदर भी आपको देखने को मिली और साथ ही साथ इसी के साथ वो नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन सीरीज अल्टर्ड कार्बन के दूसरे सीजन में एक नियमित सीरीज के रूप में शामिल हुई जिसमें उन्होंने डैनिंग हारमंस का किरदार निभाया। 7 मई 1980 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 43 साल इनकी उम्र है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस हैं और 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। पावर विल्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। लॉस एंजेलिस में इनका जन्म हुआ। 7 मई 1980 को कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो में मेरिन लॉस और एलवन शॉप्स के रूप में हुआ। उनका एक भाई है, एक बड़ा भाई डेनिस लोरेन न्यूक शहर के एक छोटे रेस्तन में कार्यकारी शोफर है। उन्होंने 40 साल की उम्र में कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली और इसके बाद ग्रेजुएशन की, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ काम नहीं मिल पाया और इन्होंने अपना जो जुनून है वो नहीं छोड़ा। यह आपको कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में फिर अपना कमबैक करते हुए नजर आए। तो दोस्तों इसी के साथ, आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं या आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में और जानते हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में स्पेनिश में लिखी और ऐसा करने के साथ में संवाद करने में मदद मिली। वह मुख्य रूप से अपने गाँव लौट आए और इसके बाद अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू वहाँ से जारी रखी और इसी के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट हुई और वहीं पर उन्होंने अपना सारा कारोबार संभाला। साथ ही साथ इनकी जो इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत थी वो लाजवाब थी और परफॉर्मेंस भी हमें बहुत बढ़िया देखने को मिली। और साथ ही साथ लोरेन एक लड़कियों के हाई स्कूल में गई जहां पर पुरुषों की स्टूडेंट्स टीम के सदस्य भी थी। लोरेन ने हिल्बोर्स कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने जीव विज्ञान में पढ़ाई की और एक ललित कला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद उन्हें अभिनय से शुरू हो गया। इसे
रेस्टन से हटाने के लिए, लेकिन कम कक्ष पूरा किया और उसे खुद को एक प्रवेश स्तर की अपनी कक्षाओं में स्थानांतरित किया। ये बताया गया कि अपने कॉलेज के खर्चों का भुगतान करने के साधन के रूप में लोशन में एक वाणिज्य मछली पकड़ने वाली नाव पर काम किया है। उन्होंने 2002 में थिएटर में बीए की डिग्री हासिल की और साथ ही साथ रायसेन स्कूल ऑफ आर्टिंग्स में प्रदर्शन किया और अपने पालन पोषण और अपनी पढ़ाई के दौरान लूर्स अंग्रेजी स्पेन और इतलावी भाषा में पारंगत है। लोरिस ने नोट किया कि उन्होंने अपना पहला अभिनय ऑडिशन देने में 3 साल लगा दिए और उन्होंने छोटी भूमिकाओं के साथ अपना बकाया चुकाया द सीडल ग्रेट रिलेट और सीआईओ फ्रेंचाइजी में शो में कोल्ड क्रिस और घोष सीजन सहित अन्य टेलीविजन भूमिकाएं शामिल थी। सीजन टेलीविजन शंकरा में पावर में एजन वर्स के रूप में प्रमुख भूमिकाओं की शुरुआत की। 2019 में लॉर्ड्स नेटफ्लिक्स साइंस पिक्चर सीरीज एल्बर्ट कार्बन के दूसरे सीजन में नियमित सीरीज के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने टैनिंग सार्लस का किरदार निभाया। 2021 में लूस स्टेंस की सीरीज अमेरिकन गोल्डन्स के तीसरे सीजन में मुगरुट ओल्सन स्थानीय अखबार के लिए एक रिपोर्ट, दो बच्चों की एक प्रसिद्धि, एकल माँ और एक संपत्ति प्रबंधन के रूप में शामिल हुए। लॉरेंस के विभिन्न फिल्म की भूमिकाओं में जिनमें द हैंगओवर पार्ट 3 और रेवन ओवर भी शामिल है। 2009 में लॉरेंस ने जोन्स रिवेंज और बोल्सन फॉर द रीसेंट अमेरिका एजवर्ट थिएटर में फ्लोस की भूमिका निभाई। उन्होंने प्रोफेसर एजियन थिएटर में माई एंट्रोस के एक स्टेज प्रोडक्शन में एंट्रोस के रूप में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो बिटवीन द लाइंस 2006, रिंग इन ओवर 2007, फ्लोस्टंस 2008 और द रीजन्स 2011, सिनेटिस 2013, द हंग्रेस पार्ट 3 2013 और ब्रिस्टिड 2020, साथ ही साथ द मैन ऑफ द ट्रोनेट्स 2022 और ओवरनेस 2022, केना गोस अवे 2023। जी हाँ दोस्तों, इतनी जगह पर आपको ये देखने को मिली है। परफॉर्मेंस पे बहुत गजब की रही है इनकी। और सीरीज टेलीविजन सीरीज के बारे में बात करते हैं, कोल्ड किस 2006 और SCIA मीमस के अंदर आपको देखने को मिली, साथ ही साथ द शील्ड्स 2007, गोस्ट विस्पर्स 2009, द यूनिट के अंदर भी आपको कई जगह देखने को मिली, साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत गजब रही हैं। और चुक्स 2010, साथ ही साथ द क्लोजर 2011 और इसी के साथ आपको गैंग सॉल्यूशन 2014 और पावर 2014 से 19 में अमेरिकन गॉड्स 2021 में आपको ये देखने को मिली। और दोस्तों, इनके बारे में भी मैंने आपको कई इन्फॉर्मेशन बताई, या आपको अमेरिकन गॉड्स के अंदर सेक्शन 3 के अंदर क्रूड्स कार्स के अंदर आपको देखने को मिली थी। तो दोस्तों, सारे जो कैरेक्टर हैं हमारे, उन सभी के बारे में मैंने एक एक कर चारों जो कैरेक्टर थे उनके बारे में मैंने बताया। और अभी एक कैरेक्टर, चार में से एक कैरेक्टर रह चुका है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और सारी कुछ जानकारी जितनी हो पाएगी मैं आप तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप भी उसे देख पाओ और आपको भी मोटिवेशन मिल सके और साथ ही साथ हम भी एक तरह से बैक टू बैक मूवीज़ लेकर आए आपके लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन लेकर आए, अपडेट लेकर आए। तो आपका भी ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन दबा के से आल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर तो कीजिएगा। तो हमारी जो अगली कैरेक्टर है उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कंटिन्यू हम जानते हैं एक आखिरी जो हमारी कैरेक्टर बच चुकी थी उनके बारे में, और इसके बाद कंटिन्यू हम एक और कैरेक्टर यानी एक और मूवी के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो सेम हैं। तो अगली जो हमारे कैरेक्टर है ओस्कर जेनाडा, जी हाँ दोस्तों, ओस्कर जोनाडा गांजोंद इनका नाम है। 4 मई 1975 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है और इन्हें अपने इस इंडस्ट्री के अंदर जो करियर इन्होंने बनाया बहुत कम कम है, एक तरह से समय के अंदर इन्होंने बनाया। और इनकी जो एक तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन है, और इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने एक तरह से नाम के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाया। तो इनके बारे में मैं आपको सारे कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इन्हें कैमरू विलिस फोल्क्स ब्लैक से लीजेंड 2005 की जो मूवी आई थी उसके लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ लीजेंड 2005 कैमरून डी लासा इस्ताल और कैप्टन फाइव 2014 और कैप्टन फाइव का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। ओस्कर जोनान गार्जो इनका नाम है। 4 मई 1975 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 48 साल इनकी उम्र है। स्टूल और ग्रेट कैलिफोर्निया स्पेन में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ऑस्कर जेनार्ड का जन्म 4 मई 1975 को स्पेन के स्कूल्स डी ऑर्गन्स में हुआ। उन्होंने 13 साल की उम्र में सोफियस के नाटकों में अभिनय शुरू किया। जोनार्ड अपने करियर की संभावनाओं को बेहद जानने के लिए मरेचन चले गए और फीचर फिल्मों में काम करने से पहले उन्होंने 7 विद होस्टिंग सेल्टर्स में कई टेलीविजन भूमिका प्राप्त की। उनकी कई शुरुआती भूमिका लिस्टेड 2005 डेनिस 2003 जैसी प्रस्तुतियों में थी। कुछ महीनों बाद एशियन मार्शन ने उन्हें नवंबर 2003 में प्रमुख भूमिकाओं के लिए पेशकश किया। जोनार्ड इस प्रोडक्शन में अपनी भूमिकाओं के लिए 2004 में सबसे अभिनेताओं के रूप में गोया अवार्ड्स के लिए उम्मीदवार थे लेकिन समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे अर्जेंटीना में एल्बिजूस डी रावन वोद को फिल्मांकन कर रहे थे। स्पेन लौटने पर उन्होंने कॉमेडी पर कई पुस्तकाएँ भूमिकाएँ प्रस्तुत की। उनमें फिल्म XXL 2004 प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने श्रृंखला जोविना नेबल सोलंस जैसी जोनार्ड की एक हास्य अभिनेताओं के रूप में पसंद और आने लगी। और जेम्स चार्विस ने उन्होंने फ्लैक्स गायक कैमरून डी लार्सेंस्टांस के जीवन के बारे में एक फिल्म की पुष्टि भेजी। कैमरून का प्रीमियम 2005 में सेमिल सैब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 15 दिसंबर 2005 को जोनार्ड को फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकन दिया गया। 9 साल बाद उन्होंने सिल्वर फ्रेम्स पुरस्कार और सर्कन ऑफ सिनेमेटोग्राफी राइट्स मेडल्स की नामांकन प्राप्त की। 2006 की शुरुआत में जेनार्ड की 3 सम्मान जीते। इसके अलावा 2006 में जेनार्ड ने क्रेडिट स्पेन के साथ समारोह के मास्क के रूप में कार्य किया। फलांग फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में एक सप्ताह बाद उन्होंने चावरी के साथ अपने काम के लिए स्पेनिश एक्सचेंज यूनियंस में नामांकन प्राप्त किया। 2011 में जोनार्ड को पैंडेट ऑफ द कैरियन ऑन स्टीज ट्रेंस में एक भूमिका मिली जहां उन्होंने एक स्पेनिश अभी अधिकारी की भूमिका निभाई। वह 2011 में टेलक्रूज श्रृंखला पिराइड्स की भूमिका और समुद्र डाकू विषय पर लौट आए। दोस्तों इसी के साथ जेनार्ड का अभिनय बराबर जोनस से बेटे था जिसके साथ वे 2020 से 2012 तक रोमांटिक रूप से जुड़ी रहीं। अप्रैल 2017 में उन्होंने नॉर्टन स्कूल मनोरंजन नाव और कप्तान के अधिकारी शीर्षक हेयरफोन्स करने के लिए 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। जोनार्ड ने आरोपियों को स्वीकार कर लिया और जुर्माने के तौर पर 3600 यूरो जुर्माने में बदलने में सहमत बताई। और फिल्मोग्राफी में भी कई जगह देखने को मिले। हाल ही के अंदर ही आपको एक तरह से मुख्य रूप से 2021 की फिल्म एक्सट्रीज में देखने को मिले थे और जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ 2023 की जो ये एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिली थी इसमें देखने को मिले थे। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल सारी कुछ जानकारी आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम जानेंगे अगले एक तरह से टीवी सीरीज़ के बारे में जिसके अंदर ये जो हमारे जितने भी कैरेक्टर है वो सेम देखने को मिलते हैं। जिस सीरीज़ के बारे में हम जान रहे हैं उसका नाम है टॉय बॉय। इंटलेस मीडिया और प्लेन्स ए एनुस निमित एक स्पेनिश नाटक है। इस शो में जूलियस मोस्कन क्रिस्टीन कासोन और मारी पेडलून शामिल हैं। 25 सितंबर 2019 को एडन स्क्रीन पर उसके प्रीमियम से पहले सितंबर 2019 में इसका पहली बार प्रीमियम फेस्टिवल्स और एसुंस प्रीमियम में हुआ। मुख्य रूप से सीजर बैंडनिड में दिखाएगी और जुलास क्लूज ब्यूटन और रोमिस मोसिन द्वारा इसे बनाया गया। इनाकी मोशंस द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया और जोविन क्विंटन्स और लोरा कैम्पलोस द्वारा इसमें डायरेक्शन किया गया। जीशन मोक्रूस और किस्टन मास्टोन और मारियन प्रोटन इसके अंदर मुख्य रूप से कैरेक्टरों में देखने को मिले। दोस्तों ये जो सीरीज है स्पेनिश लैंग्वेज में है
और तकरीबन 2 सेक्शन आ चुके हैं और 21 एपिसोडों के साथ। प्रोडक्शन स्थान इसका कोस्टन डेल सोलांस है। प्रोडक्शन कंपनी एंट्रिस मीडिया टेलीविजन और एप्लेंस एंड प्लोज प्रोडक्शन। मूल नेटवर्क ये एटलोस प्रीमियम पर अवेलेबल है। 8 सितंबर 2019 से कंटिन्यू ये आपको देखने के लिए प्रोवाइड है। ये एक तरह से कोस्टन डेल सोलांस में स्थापित है। ऑर्गन बेजेशन एक युवा यानी इस स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। लापरवाही स्टीन पर है। एक रात की पार्टी में ज़्यादा दियो के बाद वह सुबह एक नाव पर उड़ता है। उसके बंगले में एक आदमी की जली हुई लाश होती है जो कार्तिक तौर पर उसकी प्रेमिका मैक्रंस मादी किस्टिन बॉस्टन का पति है, जो एक परिपक्व और शक्तिशाली महिला है जिसके साथ उसने संबंध बना रखे हैं। भाव से भरा हाइब्रिड यौन संबंध हुरगंस को कुछ ही याद नहीं होता और अपराध की रात क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन है कि वह हत्यारा नहीं है बल्कि उस पर कोई आरोप लगाने की साजिश शिकार है। तारीख सुनाई के बाद उसे 15 साल की जेल सुनाई गई है। 7 साल बाद एक युवा वकील टेरेड मोरियन और एक ऐसे मॉरन प्रोडेंस जेल में उसे मिलने जाता है, जो एक प्रमुख कानूनी फर्म प्रतिनिधित्व करते हुए उसे मामले को एक तरह से खोलने में मदद करने में एक मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने की पेशावर करता है। हालांकि हुरगंस को प्रस्ताव वह अभिषेक और ट्रेनिस की सजा रद्द हो गई है और हुरगंस को जेल से रिहा कर दिया जाता है। प्रीवियस पर उसे एक नए मुद्दे और लंबे रहने तक और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सक्षम होना होगा। टारियंस और हुरगंस पर एक साथ मिलकर एक जटिल साजिश की सुलझाने की कोशिश करते हैं जो कि निर्दोष व्यक्तियों को जेल ले गई हैं। एक ऐसा रिश्ता जो कि आसान नहीं होगा क्योंकि वह बिल्कुल विपरीत दुनिया से संबंधित है। वह एक मेहनती जिम्मेदार उज्ज्वल भविष्य वाले वकील है। वह रात्रि में स्वयं पूर्व कैदी और स्वयं को छोड़ने और उसके हत्यारे से मानते हैं। हुरगंस बैल्डस ग्रीजन्स के रूप में जेसन मैरोज, साथ ही साथ ईवर्स के रूप में जूसन डे टारलोड और जूसन मैड सैड मॉडर्न विस्टोलियस के रूप में आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड की बात की जाए तो तकरीबन 13 एपिसोड आपको स्टार्टिंग में देखने को मिले थे और 8 एपिसोड इसी के बाद देखने को मिले हैं। टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊँ तो 21 एपिसोड इस सेक्शन के साथ आपको इस सीरीज में टोटल देखने को मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ अब हम हमारे कैरेक्टरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं जेसल्स मोस्क्रूज बानरोल, एक स्पेनिश फुटबॉलर्स अभिनेता है। टॉम बॉय बोल्डम ब्रिट किरदार के लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारे कुछ डिटेल बताऊंगा। आप भी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी कंटिन्यू ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर ही करने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हुए हैं, इनके बारे में आपको सारी कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके आप भी सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूँ। जीशन मोस्टन बानोस 30 फरवरी 1993 को इनका जन्म हुआ। 30 साल इनकी उम्र है। एक अभिनेता और एक फुटबॉलर पहले एक तरह से फोटोग्राफी में शामिल होने से पहले इस इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ये एक फुटबॉलर थे और बालंग प्रांत की दक्षिण तटीय शहर कुलग्रोस में जन्मे हैं। मास्को ने एक केंद्रीय रक्षक के रूप में खेला और 12 साल की उम्र में एगेंसिंस में अपने करियर की शुरुआत की। वह एडलोस क्लब की युवा एक आदमी थे। 16 साल की उम्र में एंडब्लूस ब्रिजन में शामिल होने के बाद स्पेन की दूसरी स्विच पर रहे। 18 साल की उम्र में मॉस्कन मेलगन सी एस रिचर्ड टीम्स में दाखिला लेकर मलाव लौट आए और फुटबॉल छोड़ने और अभिनय की और रूप में रखे और ब्लूस बी और एस्टोन्स से भी गुजरे जो कि उनकी आखिरी क्लब थी। और मालगेंस के एक जिम्स में खोजने जाने के बाद मोस्कन ने अपने बैकग्राउंड शो में एक छोटी भूमिका और ऑडिशन दिखा। निर्माताओं ने उन्हें स्टांस की कौन संभावनी दी जिसके कारण उन्होंने मुख्य
भूमिकाओं के बजाय पैंट्रोस में मुख्य भूमिका चुनी। फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सारी कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। एलिंग ब्लोज 2018 में और साथ ही साथ टॉप बॉस 2019 के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताते हैं, जिनका नाम है क्रिस्टीना कास्टोना ग्लोमलेस। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर 1958 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें हिट श्रृंखला ला क्लूज से एल्बूस में जूडियन बैक्स की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्रिस्टीन कास्टोन बोरोगेस इनका नाम है। 30 अक्टूबर 1958 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है और इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। कास्टोन्स का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को विल्बूस लेशन में हुआ। टेलीविजन डी क्लूजन श्रृंखला प्रोटन कॉर्डलेस में और पॉन बीरियंस के रूप में अपनी भूमिका को बदलौती की और उन्होंने लेशन में अपना नाम किया। 2000 में उन्होंने एक और श्रृंखला और कलाकारों में शामिल होने के अवसर मिला। इसके बजाय राष्ट्रव्यापी श्रृंखला जिसका नाम एली साली ड्री क्रूज था, यह गर्मियों के लिए एक अद्भुत थी। लेकिन 2002 में श्रृंखला के अंत में मुख्य रूप से इसकी उन्हें प्रूशन क्रोमिट को छोड़ दिया और उनका किरदार मोरियन क्रूज द्वारा निभाए जाने लगा। एक अभिनेत्री के साथ वह बाद में सह कलाकार बने। 1999 में उन्होंने क्लोचन ब्रूस के साथ थिएटर प्लेन आस और ग्रीजन में एक काम किया। तब से उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में केमियो किया और फिल्मों के साथ साथ थिएटर परियोजनाओं में भी छोटी भूमिकाएं निभाई और गायन की दुनिया में अपनी हाथ आजमाया और कोलिज न्यूजेंस के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट में भाग लिया। इसने की प्रतिभाओं के रूप में काम किया और बोर्डन के साथ 2001 में विन डेल इंटरनेशनल सॉन्ग फेस्टिवल, 2005 में वह एक अन्य श्रृंखला 4D रेजन में देखने को मिले। 2006 में उन्होंने पूरे स्पेन में 600 से भी अधिक प्रस्तुतियां की, साथ ही साथ म्यूजिक फिल्म में काम किया और इसे हेल्डिस में अपने काम के साथ जोड़ दिया। वह टोलगिस श्रृंखला ला क्रू में एनबोस जूडियंस के बेगरार के रूप में एक कलाकार थी जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे और अपने प्लेट के ब्लॉग मोडियन प्रोट सभी प्रोड्यूसर को थेरेपी देती हैं। वह 2016 में सीरीज छोड़कर तीसरे सीजन में 9वीं सीजन तक गई। वह रेडियो उद्घस पेब एरगोन कास्टोन की भतीजी है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो कुछ ज़्यादा खास इन्होंने फिल्मोग्राफी अपने करियर में दी नहीं, लेकिन फिर भी बेहतरीन अंदाज में ये आपको देखने को मिले। कॉमरी क्रिश्चन 2001 से 2000 के अंदर देखने को मिले और डबल एक्सएल 2004। साथ ही साथ मुख्य रूप से द टीनेजर एज लव 2019 में और भी क्लिप्सन एडसन 2018 में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ऐसे ही इनके बारे में एक तरह से मैंने आपको बताई, सारी कुछ जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको यदि वीडियो पसंद आई है, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को एक तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं अब हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टर हैं जिनका नाम है एक तरह से लुइस तोसारा। लुइस तोसर इनका नाम है, फुल नाम मैंने आपको बता दिया है। 13 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। एक गैलिस के एक स्पेनिश अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, वह स्पेन में सबसे अधिक पहचाने वाले बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस प्राइम वीडियो की इस वीडियो के बारे में बात की, यानी इस मूवी के बारे में बात की जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ की गई थी। बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसे देखने को मिला और आगे चलकर मैं इसके कास्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए। दोस्तों अब हम इसके एक तरह से कास्टिंग के बारे में जानते हैं।
दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1971 को हुआ, 51 साल इनकी उम्र है, गैलियस स्पेंस में हुआ, अभिनेता है, फिल्म निर्माता है और एक म्यूजिशियन है। 1994 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने मारिन लुइस म्यूनियस से शादी की है। उन्होंने राष्ट्रपट्टी 1998 के एक एटलोस में अपनी फिल्मी की शुरुआत की। इसके बाद फ्लोक्स ऑफ अंडरवर्ल्ड 1999 और कोम्स विलेज 2009, न्यूज़ ऑफ गॉड 2001 जैसी फीचर फिल्मों में उन्होंने भूमिका निभाई। मंडे इन द सन 2002 और कैटन माई आईज 2003 में अपने प्रदर्शन के लिए शुरुआती प्रशंसाएं और पहचान हासिल की। और साथ ही साथ सन 2021 के अंदर और साथ ही साथ म्यूजन्स के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए करियर के लिए महत्वपूर्ण मोड़ आने के बाद उन्होंने अक्सर थिएटर फिल्मों में टाइम कास्ट किया। तो सर का जन्म 13 अक्टूबर 1971 को लुगंस में हुआ था। भले ही वे आमतौर पर ज्यूस्टन के नागरिक पालिका में लुगंस में थे और पेशावर के साथ पहचान करना पसंद करते हैं जहां उन्होंने वास्तव में अपना बचपन और किशोर अवस्था बिताई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर शोटन बजाने की साथ की और 1998 में वे टी वी सीरीज मानीज विक्सन और साथ ही साथ और भी प्रदर्शन के लिए उन्हें गुलशन और स्वदेश में मुख्य रूप से पहचान मिली। 1999 में अपराध से थिएटर वाली फिल्म फ्लोक्स ऑफ द मर्डर्स वर्ल्ड्स में डीमियंस के रूप में उनकी सहायक प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। बेरोजगारी नाटक इंटेंट इन द सन में उनकी सहायक भूमिका और टेकन माय ब्रिज में अपना जनक पति और एवर्ट द रेनेंस के कार्यकारी निर्माता है। स्टीफन साइंस ने डोरमेंस में एक समीक्षा द्वारा प्रशंसा है कि उनका सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन उनकी 2009 की हिट सेल 2021 थी। साथ ही साथ बियांस वाइंस 2006 थी जिसमें उन्होंने कोलंबियस डाज मोर्टन्स की भूमिका निभाई। इसके अलावा वह अंग्रेजी फिल्मों द लिमिटेड स्कोप काउंटर्स में दिखाई दिए और मिस्टर नाइस में और साथ ही साथ 2012 में उन्होंने वीडियो गेम कैसन क्रिट्स थर्ड के लिए जॉर्ज विस्टन्स को डब किया। 2015 में तो सर ने अभिनय करियर लुइस और मोशन से शादी की। 17 नवंबर 2018 को उन्होंने एली निनोस 2014 और टोरो 2016 फिल्म के लिए एलमेरियस फूल्स ऑफ द फैंस में एक स्टार मिला। दोस्तों इसी के साथ इनके अवार्ड्स भी बहुत बेहतरीन हैं। इनके अवार्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 14वां गोयल पुरस्कार 2000 के अंदर इन्होंने जीता। 2003 के अंदर 12वां अभिनेता अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किया। साथ ही साथ 18वां गोयल पुरस्कार 2004 में, 13वां अभिनेता एवं अभिनेत्री संघ पुरस्कार 2004 में, 19वां अभिनेता एवं अभिनेत्री संघ पुरस्कार 2010 में। साथ ही साथ 23वां यूरोपियन फिल्म पुरस्कार 2010 में, 16वां फ्रोस पुरस्कार 2011 में और साथ ही साथ 4वां गोल्डियन पुरस्कार 2012 में, 16वां गोयल पुरस्कार 2012 में और 21वां फोशियन पुरस्कार 2016 में और 34वां गोयल पुरस्कार 2020 में इन्होंने अपने नाम किया। 27वां फोर्स पुरस्कार 2021 में। साथ ही साथ 30वें अभिनेता एवं अभिनेत्री संघ पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। साथ ही साथ 37वां गोयल पुरस्कार 2030 में अपने नाम करते हुए नजर आए। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जितना हो सके मैंने पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। बाकी इसी के बाद यदि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ चीज़ बच जाती है रह जाती हैं तो आप बेझिझक के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश किए गए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अब हम आगे चल के और भी जितने कैरेक्टर हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को दबा कर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अगले कैरेक्टरों के बारे में, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे जो अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेविर गुतिरेज के बारे में। जेविर गुतिरेज आल्फेज एक जैसे इनका नाम है, एवरारेज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 17 जनवरी 1971 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है। 2002 में सिनेमा में अभिनय की शुरुआत के बाद उन्होंने अपना शुरुआती करियर मुख्य रूप से अपनी कॉमेडियन फिल्मों में विकसित किया। इसी तरह एक एडवेंचर टेलीविजन श्रृंखला में ग्रू रोजन और सेटियंस के रूप में अपनी साइबिस भूमिकाओं के लिए बहुत लोकप्रिय अर्जित की। 2014 में क्रैम थ्रिलर मासलेड में उनके प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और पहचान दिलवाई। तब से उन्होंने द मोर्टन चैंपियंस और द
रोड जैसी फिल्मों में एसोंस वीवोस और वेंगडियन जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया। दोस्तों जीबर गुजन एलरेज इनका नाम है, 17 जनवरी 1971 को जन्म है इनका और 52 साल इनके। सो दोस्तों इनकी उम्र है, स्पेन में इनका जन्म हुआ। एक अभिनेता है जुवरिन गीतिल एमरेज का जन्म 17 जनवरी 1971 को लुआंस फासून फीशन में हुआ। उनकी माँ इस तरह वेल्डिन डी मॉर्डिन और कसुल नगर पालिका में थी। जब वह मुश्किल में एक वश में थे तो वह अपने माता पिता के साथ फोरेस्ट गेलन्स चले गए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। वह मंच अभिनेताओं के रूप में अपना करियर विकसित करने की तलाश में गुरुजन 16 साल की उम्र में गोलियस में मेडलोस चले गए। वहाँ टीनेज 1993 और लाभ डीजन डेन ग्रीड 1994 जैसे मंच नाटकों में दिखाई दिया जिसमें जीसन थिएटर निशांग थे। वह वेलमीर शुरुआत 2000 में हुई जबकि एक फीचर फिल्म में उनकी शुरुआत 2002 की संगीत में कॉमेडी द अंडरसाइज ऑफ द बैंड में उनके प्रदर्शन से हुई जिसका निर्देशन एमिस मोजिन लाजोस ने किया। एडवेंचर सीरीज एग्रूज रोज 2009 से 2016 में अपने काम के लिए ग्रुजिन स्पेंस टेलीविजन दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया जिसमें उन्होंने सरेटुस नायक पर सदर और किरदार निभाया। इस भूमिकाओं को उनके करियर की सबसे करिश्मे चित्रण के रूप में रेखांकित किया गया। उन्होंने जेफ एंड जेफ्स के एक बेंगोल गैंग्स 2013 में फास्कोटियन भूमिका निभाई। उन्होंने ओशियन क्रिट्स 2016 में टोरमेंट डी डोरेंस का किरदार निभाया। उन्होंने पहले इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह विल्सन बोलन द्वारा ओल्ड स्ट्री का फिल्म कर रहे थे लेकिन इस स्कोस कोल के निशांग और जेसन क्यूजन ने उन्हें काम लिया और 1998 में और लॉस सिटीन डी फोनिस 2016 में काल्पनिक चित्रण और जैनमेट डिनियन कोस के चित्रण किया। उन्होंने दामरेटिन 2017 में एल्मोस की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने वो एक तरह से पुस्तक मिलर सबसे अभिनेताओं के लिए गोल्ड पुरस्कार जीता। दोस्तों एला ओटन लाडो डे ला मेरिडियन इनका नाम है। 2022 में इनका एक तरह से 2002 में इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर इनकी एक तरह से फर्स्ट मूवी के अंदर अपना स्टार्टअप किया था और साथ ही साथ 2004 के अंदर ये एस ब्लूजन्स में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी मूवी भी ठीक ठाक रही और अभी इनके अपकमिंग मूवी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिया दोस्तों स्टीन डिलो सॉरमोट इनकी 2023 के अंदर अपकमिंग मूवी है और नेशन डेल नार्चो 2021 में आपको ये इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली है। दोस्तों इसी के साथ अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं एल्विर मिगलूज के बारे में। 30 जुलाई 1965 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। मिगवेस ला क्रेटन व्रदे 1990 और एल कोर्बन डी होनेस 1991 और द लक्की स्टॉप टॉप्स 2005 और एलन डेस्टोड 2015 जैसे फिल्मों में दिखाई दिए हैं। उनके टेलीविजन क्रेडिट में एबू एलन डेरेन वोस और मार्क डे हुकस और एम्प्रोस एडन ट्रिप्स गुड शामिल हैं। फिल्मोग्राफी इनकी 30 जुलाई 1965 को देखने को मिली। 58 साल इनकी उम्र है। ला फ्रोड ब्रेड 1990 के अंदर ही आपको देखने को मिले। दाल लकी स्टार 1997 में और साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में ये देखने को मिले और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। इंस्टॉन्स 2019 के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। और अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर फोर्डन कारोस के बारे में। 22 अप्रैल 1958 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है। 22 अप्रैल 1958 को इनका जन्म हुआ। 55 साल इनकी उम्र है। वाल्डोस स्पेन्स में हुआ। एक अभिनेता हैं। 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कायोंस का जन्म 22 अप्रैल 1958 को बेलरूस में हुआ। जब वह 17 वर्ष के थे तो वह मेडिस चले गए और अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। और फिल्मोग्राफी भी इनकी ठीक ठाक रही। एला पेडन मास लोडियन 2005 ये आपको देखने को मिले। कॉन्सग्रेस प्रिज 2007 में और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन 2010 में और साथ ही साथ 14 अप्रैल को ये मुख्य रूप से लाल रिपीट्स के साथ देखने को मिले और प्रतिकार 2015 में और मनी हेसन 2017 में और मैफियस 2018 में भी आपको देखने को मिले। पुस्तक इन्होंने एक तरह से कई लिखी भी है और साथ ही साथ पुरस्कार इन्होंने जीता है 29वां अभिनेता पुरस्कार 2020 के अंदर ही अपने नाम किया है। दोस्तों अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि फटाफट से सारे कैरेक्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकूंगा मैं वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। और अब हम जानते हैं पॉल डेरियर रिसो सेगुंस के बारे में।
28 फरवरी 1990 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री और टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। एला डेस्क्रोड 2015 के अंदर ये देखने को मिली। ला सोम्ब्रे डे ला अम्ब्रिशन में 2018 में देखने को मिली। कू डांस 2019 जैसे फिल्मों में देखने को मिली। इसके अलावा वह फाजंस की भूमिकाओं के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो और एला एडम्स एक रिब्यूट श्रृंखला और ए इंटरनेट लास्ट क्रोबस 2021-22 में एक नायिकाओं में एक तरीके से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी परफॉर्मेंस भी इस इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन थी। जैसा कि मैंने इनके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। 2010 से इस इंडस्ट्री के अंदर ये जुड़ी हुई है। डेला रियो अभिनेता एसन डेरी रियोस की चचेरी एक तरह से भाई हैं। इनका जन्म 2020 में ब्लूशंस में हुआ था। उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन केवल 10 साल की उम्र में एक लघु फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म जिसे एक तरह से बोलते हैं लैप डांस में किया। बाद में वर्षों में वे कुछ लघु फिल्मों में भाग लेने के लिए एक तरह से उभरी और 2015 में उन्होंने लुइस टोशन और एलमिड मिगस के साथ डानी डे ए टोनस द्वारा निर्सांग फिल्म ए डेस्कूज में आपको देखने को मिले। 2018 में उन्होंने डेनियस डे टोरियंस की एक और फीचर फिल्म ला एब्रूस डे एलिस और एलिस की मुख्य भूमिका के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 2019 में उन्होंने जूसन लुइस मैंडोस की फीचर फिल्म क्रूडेंस में अभिनय किया और क्रेबिस से पीड़ित कुत्ते के साथ अपने पिता के साथ वो एक तरह से रहती थी। इसके अंदर ये स्टोरी आपको देखने को मिली थी। टेलीविजन पर उन्होंने सेंट्रूस म्यूटेंस और सीवन प्राइव ब्रेडन हॉस्पिटल ब्रेडन नोस और बेनियन क्वेश्चन में भाग लिया, जहां उन्होंने मुख्य किरदार में से एक ही भूमिका निभाई और ए एंडलेस ए एल्टूस लास्ट ब्रीजन की रिब्यूट श्रृंखला के साथ कलाकारों में शामिल हो गए, जहां वे एक फ्यूजन की भूमिका में देखने को मिले। और फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिली। इली डिशियंस 2015, ली शोम ड्रेस लेजियन 2018 और साथ ही साथ 2021-22 में आपको इली प्रिजन के अंदर आपको देखने को मिले थे। इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी हैं। अब हमारे अगले कैरेक्टर जो कि इस एक तरह से मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लुइस जेहरा, जोसन लुइस कास्टोन जेहरा इनका नाम है। 23 मई 1966 को इनका जन्म हुआ। एक गेल्सन्स के एक स्पेनिश अभिनेता है। ग्लिसन और स्पेनिश फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में सहायक भूमिकाओं के लिए उनके प्रदर्शन के लिए इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में मैं आपको एक एक कर सारी कुछ डिटेल बताऊंगा। जोसन लुइस जेनोस इनका नाम है। 23 मई 1966 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 57 साल इनकी उम्र है। और जोसन लुइस कास्टोन जोरस का जन्म 23 मई 1966 को सरेंडोस डे कोस्टेंस में हुआ। जारेज ने मोशन विल्पिस श्रृंखला में पेट्रोलियस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए अपनी मूल ग्लिसन प्रारंभिक सार्वजनिक पहचान अर्जित की। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत जोसन लुइस गार्जिन और डिविन प्रॉसन 1987 से की। उन्होंने द रिलियंस कैब्रेस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए 2019 में सबसे सहायक अभिनेता को एक पुरस्कार जीता और द ब्रिटिश 2022 में अपने सहायक प्रदर्शन के लिए और गोया जीता, जिनमें उन्होंने देशपूर्ण ग्रामीण जैन का किरदार निभाया था। दोस्तों इसी के साथ फिल्मोग्राफी के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। 1988 में ये आपको मेरी मिलिशंस के अंदर देखने को मिले। सीनी टेनियस के अंदर आपको देखने को मिले। परफॉर्मेंस में इनकी बहुत बढ़िया बेहतरीन देखने को मिली। साथ ही साथ पिराती से 2011 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी जितनी जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। द लास्ट टाइम्स के अंदर 2022 में आपको फाइनली देखने को मिले थे। अब हमारी अगली कैरेक्टर जिनका नाम है गोग्रिया क्रीटन टोलियस मार्चिन, इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताता हूँ। 24 सितंबर 1980 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें पेशावर रूप से गायो टोलेट्स के नाम से जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं। वे एक ऑमरिस प्रोग्रेंस फिलिस फर्ट्स और 13 रेजेंस में दिखाई दिए हैं। गोर्गियंस क्रीटन टोलियस एज इनका नाम है। 24 सितंबर 1980 को इनका जन्म हुआ। 55 साल इनकी उम्र है। कैंडिस द्वीप स्पेन में हुआ।
क्रिस्टीन रोटन स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, 1993 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। क्रेग डेविन रोस इनकी एक तरह से जीवन साथी हैं और ओलमियस मार्टिन से 2007 से 2010 तक इनके साथ देखने को मिले हैं और साथ ही साथ यूरोपियन फिल्म प्रोमे में शूटिंग स्टार पुरस्कार 2003 में आपको देखने को मिले। अभिनय में कदम रखने से पहले टूलिस ने एक मॉडल्स के रूप में काम किया। उन्होंने 1993 के अंदर मुख्य भूमिकाओं के अंदर एक तरह से काम किया और साथ ही साथ इसी के साथ 2003 में 43वें बोलियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वे कई युवा सरा एक तरह से युवा यूरोपियंस और यूरोपियंस अभिनेताओं में से एक थे जिनमें यूरोपियन फिल्म प्रोमोस द्वारा शूटिंग स्टार्स अवार्ड प्रदान किए गए। टोले साथ ही फ्रेंस अभिनेता पैंडलेस क्रिस की एक तरह से करीबी दोस्त हैं जिनमें उनकी मुलाकात किस्टोन रोटन्स के रूप में अपने अभिनय की पढ़ाई के दौरान हुई। 2015 में उन्होंने गेटवार्ड ग्रीस में अपनी शादी की पुष्टि की। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। द ट्रिवल्स गो टू द ऑफिस के अंदर आपको मुख्य रूप से देखने को मिली, ब्रदर बाय मिल्क के अंदर आपको देखने को मिली, बियॉन्ड द ग्रैंड 2000 में आपको देखने को मिली और बैक टू बैक कई मूवीज़ में आपको ये देखने को मिली है। तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी मैंने बता दी है। अवार्ड्स इन्होंने गोल्स अवार्ड सबसे पहले अपने लिए 1998 में जीता और इप्रूस फिल्म प्रोडक्शन शूटिंग स्टार अवार्ड्स 2003 के अंदर अपने नाम करते हुए नजर आए। ईक्यू मैजिशियन अवार्ड्स 2009 अपने नाम किया और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत बढ़िया है इस इंडस्ट्री में। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हम हमारे जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में जान चुके हैं और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको बताने की कोशिश की है। आप भी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हमारे आखिरी कैरेक्टर लिया मार्नू विक्टाना के नाम से इन्हें जाना जाता है। 4 जनवरी 1973 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं, उन्होंने 3 गायन पुरस्कार जीता और फुर्गस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2000 और टेक नाइस माइज के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2003 और ब्लॉक ब्रेड 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और टेक माइंस आइस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यूरोपियन फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। लिया मारियो क्विंटोस इनका नाम है। 4 जनवरी 1973 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 50 साल इनकी उम्र है। ब्लोसिन स्पेन में हुआ। एक अभिनेत्री हैं, 1994 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मालूस को फिल्म टेलीविज़न और मंच पर उनके प्रदर्शन के लिए काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्पेनिश केटन और फ्रेचर में प्रदर्शन किया। लिया मारू क्रिटेंस का जन्म 4 जनवरी 1973 को पुलिसन कैटलोंस स्पेन में हुआ। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत किशन थिएटर से की। मालूस ने बोसन के नेशन ट्रेड थिएटर स्कूल में अभिनय किया और उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1994 के केटन्स टेलीविजन चैनल TV3 श्रृंखला में क्वेश्चंस एनियस में देखने को मिली। 1986 में उन्होंने रेडियंस पर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। मानूस ने 3 गायक पुरस्कार और 1 टैन्यूस डिजन स्लिप हॉल पुरस्कार अपने नाम किया। वह स्पेनिश केटन और फ्रेंचेंस परागंत है और उन्होंने अपने इस सभी भाषाओं में प्रदान किए। सबसे पहले इनके बारे में बताता हूँ। आफ्टर वॉस 1994 में ये आपको देखने को मिले और द जर्नी से 1994 में और द एक्सीशन लिंक 1994 में साथ ही साथ स्टीनमेशन 1986 इंटरनल अफेयर्स 1996 साथ ही साथ द फर्स्ट गेम 1987 साथ ही साथ आई लाइक टू सी थीम्स वाच टीम सिलियस में 1998 में देखने को मिले, डोंट क्रैक गैरमे 2000 के अंदर आपको देखने को मिले और फ्रूसिट 2000 के अंदर आपको देखने को मिले, टेक माई आइज 2003 में देखने को मिले, वॉइस इन द नाइट 2003 में और साथ ही साथ द वोल्ट्रम एंग्रिस 2010 के अंदर आपको देखने को मिले, साथ ही साथ लोश नेशन 2015 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ कई अवार्ड्स इन्होंने जीते, गोल्डियंस अवार्ड 2020 और एशियन अवार्ड 2005 और साथ ही साथ ट्रिक्शन अवार्ड 2004। 1998 में इन्होंने भूषण अवार्ड, 2004 में इन्होंने भूषण अवार्ड दोबारा फिर अपने नाम किया और भी कई अवार्ड इन्होंने अपने इंडस्ट्री करियर के अंदर जीते हैं। सेंडियन यूशन अवार्ड भी अपने नाम करते हुए ये नजर आए हैं।
तो दोस्तों मैंने इनके बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सके बताने की कोशिश की है और सारे कैरेक्टर एक तरह से कवर हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों आज की वीडियो में हमने इन सभी के बारे में जान लिया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी। पूरी मूवी के बारे में मैंने स्टोरी आपको बताई, एक्सप्लेन किया और कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले इनके बारे में भी हमने जाना। यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं भी आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लाता रहूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।